ए हाउस प्लान 25 फीट बाई 25 फीट प्लॉट के ऊपर बनाया गया है, यानी बिल्डअप एरिया 25 फीट बाई 25 फीट, और यहाँ पर होगा आपका एंट्रेंस स्टेयर के नीचे से। यहाँ से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 13 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 8 फीट 6 इंच। इस ड्राइंग रूम से देखें तो दाहिने तरफ यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर और इसके पास यहाँ पर सेकेंड बेडरूम का डोर। पहले देखते हैं फर्स्ट बेडरूम। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 12 फीट 7 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 2 इंच। इस रूम के साथ आपको मिलेगा अटैच्ड यहाँ पर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट विदाउट डोर फ्रेम। और ये पहले इस डायरेक्शन में 7 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट। आप देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। इस रूम से बाहर आते ही इस रूम के पास यहाँ पर सेकेंड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में भी 11 फीट 2 इंच। आप देखते आपका किचन यहाँ पर है। यहाँ पर आपका किचन का डोर। इस किचन का साइज है इस डायरेक्शन में 7 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 9 इंच। आप देखते आपको कॉमन टॉयलेट। यहाँ पर आपका कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट डोर फ्रेम। और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 4 फीट और इस डायरेक्शन में 7 फीट। अब देखेंगे आपका स्टेयर केस। इस स्टेयर केस का साइज है इस डायरेक्शन में 9 फीट और इस डायरेक्शन में 10 फीट 2 इंच। स्टेयर केस में आपका अभ्यास होगा ये आपका फर्स्ट राइजर। और इस स्टेयर केस में टोटल 11 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा। तो इस घर का हाइट है 11 फीट इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। इस प्लॉट में सिर्फ इस लैंडिंग का 2 फीट 7 इंच का बाहर रहेगा इस कॉलम से बाहर 2 फीट 7 इंच। अब देखिए इस बिल्डिंग का फ्रंट लुक।